यह है मेरे सामने लिगोंग की CLG922E जो कि 22 टन की एक्सकेवेटर है और ये अभी वर्क कर रही है P1 पे, यानी लोएस्ट RPM ऑफ द मशीन, लोएस्ट वर्किंग RPM ऑफ द मशीन। आप देख सकते हैं इवन ये ऑपरेशन करने का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, ये मशीन अपने लोएस्ट RPM पे भी काम कर सकती है, जबकि कुछ मशीनें हैं अगर आप उनको 800 RPM पे ऑपरेट करोगे तो वो मशीन लोड लेके बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं भले मशीन स्लो काम कर रही है बट ये स्टिल 800 RPM पे भी काम कर सकती है। उठा तो रही है वो, लेकिन अगर ग्राउंड कांटेक्ट कम है वो मशीन स्टेबल नहीं रहेगी। दूसरा वेट, जब हम बोलते हैं कि हमारी मशीन 22 टन की है, 22.5 टन की है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मशीन जब उठा रही है तो पीछे से लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए एक तो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा आपका ग्राउंड कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, तीसरा आपका मशीन का काउंटर वेट, मशीन का वेट वो भी सही होना चाहिए ताकि मशीन आपकी पीछे से उठे। दूसरा चीज आपने अगर देखा P1 मोड पे या E1 मोड पे, जब RPM 800 RPM है, आप अंदर आके देख चुके हो, 800 RPM पे भी वो उतना लोड कर लेगी, उतना लोड उठा लेगी, पर 800 RPM पे क्योंकि फ्लो कम है तो मशीन की स्पीड स्लो है, बाकी ताकत कम नहीं है मशीन में, ताकत है, ताकत मतलब वो उतना ही मटेरियल उठा सकती है जहाँ तक उठाना है, जितनी दूर फेंकना उठा लेगी, बट वो काम स्लो करेगी। क्यों? क्योंकि जो स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या होता है स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल? फ्लो, फ्लो कम है क्योंकि इंजन की स्पीड कम है, इंजन के ऊपर पंप लगा होता है, पंप की डिस्प्लेसमेंट भी कम है, तो पंप की डिस्प्लेसमेंट उतनी है लेकिन स्पीड कम है, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू स्पीड फ्लो होता है, डिस्प्लेसमेंट भले ही ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है तो आपको स्लो स्लो मिल रहा है।